जय श्री राम जी। हाँ, राम जी आ गए हैं और राम जी आ गए हैं और राम जी के आने का उत्सव पिछले कुछ दिनों से ही देखा जा रहा था, लेकिन आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल है वो पूरी तरह से जो है आप देखिए कि किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पटना में हैं, जहां देखिए कि भगवान राम की पूजा अर्चना करने के लिए भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहां पहुंची हुई हैं और काफ़ी लोगों के बीच में उत्साह देखा जा रहा है। वाकई लंबे अरसे के बाद जो लोगों कि जो खुशी है वो काफ़ी बढ़ गई है, लोग जो हैं काफ़ी उत्साहित है। देखिए माताएं बहने हैं लगातार, देखिए दिया यहाँ ला रही हैं, दिया जला रही हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और तमाम संतों ने भी जिस तरीके से ये कहा था कि आज का दिन जो है वो काफ़ी उत्सव वाला दिन है, काफ़ी खुशी वाला दिन है, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक पल हिंदुस्तान में पहली बार आया है जब भगवान इतने लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। कितनी खुशी है, राम जी विराजमान हो गए, राम जी आ गए। बहुत ज्यादा खुशी है, 500 साल के बाद हम लोग का ये सपना पूरा हुआ है, बहुत ज्यादा खुशी है। आज आप लोग बहुत उत्साहित हैं, मंदिरों में पहुंची हैं पूजा उजा करने के लिए? हाँ हाँ पहुंचे हैं, एकदम दिवाली जैसा उत्साह है, एकदम दिवाली जैसा उत्साह है। और दिया जलाने की जो बात पहले भी कही गई थी, अब देखा जा रहा है कि आप लोग जो हैं वो दिया जला रही हैं, जो दिया जलाने की बात कही गई थी अब देखा जा रहा है कि आप लोग। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा, इतना ज़्यादा खुशी है, 500 साल बाद ही आया है मौका राम जी का, बहुत ज़्यादा खुशी है। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। देखिए कहा जाता है कि धर्म के प्रति जो आस्था तो सब में होती है, लेकिन खास करके महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा धार्मिक होती हैं, पूजा पाठ करती हैं और उनको हमेशा देखा जाता है कि कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई व्रत भी करती रहती हैं। और आज देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो माहौल है वो पूरी तरीके से रामोत्सव हो गया है, पूरी तरीके से यहाँ दीप जलाया गया है, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आ रही हैं महिलाएं और यहाँ जो है वो दीप जला रही हैं। और भगवान राम से क्या आप लोग प्रार्थना कर रही हैं आज प्रभु राम से? सनातन धर्म का प्रचार हो और इसी तरह हम लोग अपने मंदिरों की सुरक्षा कर सके, ऐसे हमेशा मंदिर में पूजा करें, आस आस से दीप जलाते रहे हमेशा ही, हम यही प्रार्थना करते हैं। इतने लंबे समय के बाद ये संघर्ष जो है सफल हुआ, राम जी विराजमान हो गए अयोध्या में, रामलला, ये सबसे बड़ा उत्साह है कि यही सिर्फ इसी कारण कि सबसे बड़ा, बहुत दिनों बाद जो मंदिर उचित जगह पे चाहिए था वो प्रस्थापित हो चुका है, इसीलिए हम बहुत खुश हैं और इसीलिए हम दिया जलाने आए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे आज राम जी से? भगवान आ गए हैं, भगवान से क्या मांगेंगे आप? इसी तरह उन्नति दे सारे सारे जगहों में सबके लिए, इसी तरह भक्ति संसार में उत्साह बना रहे, भगवान के प्रति आस्था इसी तरह हमेशा अटूट बना रहे, यही बिल्कुल देखने से पता चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं है कि कितना उत्साह है और कितने लोग खुशी हैं। आप देखिए हाथों में 1, 2, 3, 4, 5 दीपक आपने हाथों में रखे हैं और आज आप दीपक जला रही हैं, कितना खुशी हो रही है आज राम जी आ गए? बहुत 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 खुशी हो रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं, अपने अपने घर से मौका निकाल के आए हैं कि हम लोग भगवान के थोड़ा स्थान में आए और दिया जलाए और खुश रहे। इतना बड़ा उत्साह हुआ और देखिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो भी कह रहे हैं कि अब और युग बदलेगा। हाँ हाँ, युग बदल गया, बदलेगा, बिल्कुल बदल गया है, बदल दिए हैं, मोदी जी ने ही बदला है और मोदी के कारण ही ये संभव है। आज इतिहास का ये जो 22 तारीख है वो ऐतिहासिक बन गया, आज से युग बन गया, ऐतिहासिक बन गया, मोदी जी आए, नया युग बना है। तो देखिए देखिए यही भगवान जो है रामलला यहाँ भी विराजमान है और यहाँ जो महिला श्रद्धालु हैं वो उनके लिए दीपक जला रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, अमन चैन और देश की उन्नति की कामना कर रही हैं। तो आपको जो है ये केवल यहाँ नहीं, पूरे देश भर के मंदिरों में आपको इस तरह का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, तमाम जो लोग हैं जो देश के वो काफ़ी उत्साहित हैं और भगवान राम जब अब आ गए हैं, भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई है तो अब इस तौर पर इसको देखा जा रहा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत है और इसके बाद एक नए युग की परिवर्तन है और कामना की जा रही है कि आगे भी जो कुछ होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। राम आ गए हैं, जय श्री राम। जी हाँ, राम आ गए हैं, कहा जा रहा है कि भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है जिसके बाद अब सब कुछ आपको बदलता हुआ नजर आएगा। और बदलाव का सबसे पहले नज़ारा आप देखिए कि इस वक्त आज रामलला के विराजमान होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरीके से उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, जिस तरीके से ये आह्वान किया गया था संतों के तरफ से, पीएम मोदी के तरफ
से भी कि 22 तारीख को आप दीप जरूर जलाएं। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो दीपों का जो उत्सव है, जो दिवाली है, वो मनाया जा रहा है। एक दिवाली तो मनाई ही जाती है, लेकिन अब 22 तारीख की जो तारीख है उसके बाद से एक ये भी दिवाली है जो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वक्त की जो तस्वीर है काफ़ी मनोरम है और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लगातार जो है वो दीप जलाए जा रहे हैं और दीपों से यहाँ जय श्री राम लिखा गया है। तो जय श्री राम जो कहा जाता है कि राम का जो नाम है वो वही सत्य है, राम ही सत्य है। तो राम के प्रति जो आस्था जो लोगों की थी वो बढ़ चढ़ करके आज फिर दिख रही है। शुरू से ही जो लोग हैं वो भगवान राम को पूजते आए हैं। सनातन की संस्कृति जो है वो हमारे देश में काफ़ी प्रथम रही है और उसके बाद आप देखिए कि लोगों का उत्साह जो है वहाँ देखते हुए बन रहा है। जय श्री राम जो है वो यहाँ उसकी आकृति दिए से बनाई गई है, यहाँ दिए जलाए गए हैं, लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर कितना उत्साह है, रामलला विराजमान हो गए देखो। सर ये उत्साह नहीं, ये बहुत ही भव्य उत्साह है जिसका आप उदाहरण है। यहाँ सुबह से नारी शक्ति लगी हुई है, यहाँ 5100 दीप इन लोग नारी शक्ति लोग प्रज्वलित कर रही हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारे राम लला आए हैं 500 वर्ष के बाद। जब 500 वर्ष के बाद हमारे राम लला आए हैं तो 14 वर्ष के बाद वापस आने पर जैसा दीपोत्सव हुआ था उससे कुछ कम भव्य दीपोत्सव हम लोग नहीं करेंगे। ये नारी शक्ति लोग कर रहे हैं और यहाँ के युवा जो भारत का भविष्य, दुनिया का भविष्य बोला जाता है, वो युवा इसमें पूरा का पूरा युवा बढ़ चढ़कर साथ ले रहे हैं और काम कर रहे हैं इसमें। अभी और बहुत सारा चीज़ हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो एक तो दिवाली पहले होती थी और ये जो 22 तारीख का जो इतिहास है वो एक ऐसा इतिहास हो गया कि ये एक और दिवाली के रूप में। सर हम लोग सुनते हैं अपने पूर्वज से कि 14 वर्ष के बाद जब राम भगवान आए थे तो दीपोत्सव हुआ था, दिवाली हुआ था, तो वो तो हम लोग देखे नहीं, लेकिन हम लोग वो सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग के यहाँ रामलला आए हैं, विराजमान हुए हैं, उसे हम लोग देख रहे हैं। ये हम लोगों का क्या बोले वो क्षण जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इसका इंतजार जो था वो देश के लोग लंबे समय से कर रहे थे। काफी संघर्ष के बाद जो है ये अवसर, ये पावन तिथि भारत के इतिहास में आई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी आज खुशी की बात है और हम लोग के लिए खुशी का दिन है कि सभी एकजुट होकर श्री राम जी का आज हम लोग आरती से आगमन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जीविक कॉलोनी, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि काफ़ी लोगों के भीड़ यहाँ पे उपस्थित है और सब एकजुट होकर, मतलब हनुमान जो भी हमारे राम जी। बिल्कुल, कहा जाता है कि राम जी जो हैं वो सत्य हैं, एकता के प्रतीक हैं, सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। तो जो एक प्रेम का जो भाव होता है वो इसके माध्यम से भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही यहाँ सुनहरा से मतलब अभी देखने को मिल रहा है और काफ़ी मतलब यहाँ पे रंगीन और दिए के माध्यम से आज समझिए कि पूरे बिहार में और दीपावली मना। आखिरकार रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए प्राण प्रतिष्ठा के बाद। जिस तरीके से देश के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो उत्साहित करने वाली हैं, और एक बार फिर से जो है वो आप कहिए कि एक जो श्री राम के नाम से जो देश गूंज रहा था, आज जो लोगों की जो आस्था थी भगवान श्री राम को लेकर के, वो एक बार कहिए कि जब राम मंदिर की स्थापना हो गई, वहाँ रामलला विराजमान हो गए, तो जो लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आप हैं और देखिए कि आपके पीछे ये जय श्री राम जी 5100 दीपों से ये किया जा रहा है। सबसे पहले ये जो उत्साह है आपको इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे नहीं, ये पूरे आज इंडिया में, इंडिया से बाहर भी आप देखेंगे तो पूरा भारत और पूरा विश्व आज राममय हो चुका है। राममय कहने का तात्पर्य सिर्फ राम धर्म से नहीं है, भगवान जो श्री राम है उनको मानने वाले सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं है, अलग अलग धर्म में भी है, क्योंकि बहुत लोग की वो आदर्श है, जो उनका काम है, जो उनका तौर तरीका था, जैसे वो अपना राजपाट चलाए हैं, जो लोगों को सिखाए हैं कि मर्यादा क्या होता है, वो हर एक धर्म में जो उनको मानने वाले हैं, उनके आइडियल हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज सिर्फ बिहार, अयोध्या, भारत ही नहीं,
पूरा विश्व राममय हो चुके हैं। रामलला के आने से पहले से ही देश में उत्साह देखा जा रहा था, कुछ लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे, लेकिन रामलला जी तो विराजमान हो गए। देखिए, मैं जो लोग कहने वाले थे उन पर दो तीन बात मैं कहना चाहूँगा। पहला बात ये कि बिहार में RJD के कुछ लोग कह रहे थे, तो मैं उनसे सवाल एक करना चाहता हूँ कि जो वही नीतीश कुमार जो आपके पिता को आपको चारा चोर कहते थे, उनको आप एक्सेप्ट कर लिए अपने पार्टी में, फिर क्या ऐसा दिक्कत है कि भगवान राम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आप? आप सारा कार्यक्रम करेंगे, वोट मांगने जाएंगे सनातन लोगों के पास, और आपका कुछ ऐसा प्रवक्ता है, कुछ ऐसा विधायक है फट्टा बहादुर सिंह को आप जानते होंगे। मोदी जी ने तो संदेश दे दिया कि अब राम सबके हैं और राम के आने के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई है और अब तस्वीरें बदलेंगी, जिसको जो करना है कर दे। मोदी जी ने तो पिच बिछा दिया 2024 का। अभी तो अयोध्या ये एक झलक है, अभी पूरा भारतमय होना है राम युग। देखिए हमारे बगल में देखिए, तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ये संस्कृति है भारत की कि देखिए कि माता सीता के रूप में आप देखिए कि किस तरीके से ये छोटी सी बच्ची, क्या नाम है आपका? यशवी सिंह। क्या बनी है आप आज? सीता मैया कौन थी पता है आपको? श्री राम की पत्नी। बताइए, बिल्कुल देखिए ये उत्साह है, ये छोटी बच्ची है, अब जानकारी की अलग विषय है, लेकिन जो ये उत्साह है आप इतने छोटे बच्चे में देख सकते हैं, और यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, हमारी सनातन की, हमारी संस्कृति की, कि हम किसी भी रूप में रहें लेकिन हमारा जो आस्था है वो कम नहीं होना चाहिए भगवान के प्रति, और हम हमेशा धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहें। और देखिए कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इन लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये जो समय है, ये जो दौर है, वो बेहद ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज की जो तारीख है 22 तारीख है वो इतिहास बन चुकी है, और लगातार जो आप समझिए कि जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो पूरी तरह से उत्साहित करने वाली है। जय श्री राम। जी हाँ, आप देखिए कि 5100 दीपों से यहाँ जय श्री राम की आकृति बनाई गई है, 51 से दिए जलाए गए हैं, और इस आकृति में आपको जय श्री राम दिख रहा होगा। आपको पता है कि आज 22 तारीख जो देश का ऐतिहासिक दिन है, जब भगवान राम जो है वो अयोध्या में विराजमान हो गए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद से जो उत्साह है वो लोगों का देखते बन रहा है। आप आइए, आपको एक झलक दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। इस वक्त हम पटना के बुद्धिजीवी कॉलोनी में हैं, और यहाँ जो लोग हैं वो इतने उत्साहित हैं, इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि उन लोगों ने अपने हाथों से जय श्री राम की जो आकृति है दिए जला करके बनाई है, और लगातार जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था कि सुबह से ही जो लोग थे इस आयोजन को लेकर के लगातार जमे हुए थे, जो स्थानीय लोग हैं, जो तमाम जो लोग हैं उनके तरफ से इसकी तैयारी की जा रही थी, और देखिए कि जो तैयारी जो है वो अब यहाँ मूर्त रूप में आपको नजर आ रही होगी, और अभी भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और दिए जला रहे हैं, क्योंकि पहले भी आप देखिए कि जब रामलला की स्थापना हो गई उसके पहले भी ये कहा गया था कि भाई दिए जलाने हैं। तो एक तरीके से देखिए ये दिवाली का जो उत्सव आप कह सकते हैं, जिस तरीके से ये नज़ारा आपको अमूमन दिवाली में ही देखने को मिलता है, लेकिन एक ये दूसरी दिवाली एक बार फिर से भारत की इतिहास में इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है कि लोगों में जो उत्साह है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है, और ये खूबसूरत नज़ारा जो है वो हम दिखा रहे हैं, आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आज पूरे देश में किस तरीके से जो है वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।